हरे कृष्णा। मातेव सर्व बालानां औषधां रोगिनां इव रक्षार्थ सर्व लोकानां निमित्तय एकादशी तिथि। हरि भक्ति विलास के 12वें अध्याय के 105वें श्लोक में कहा गया है कि शिशु वृंद की रक्षा के लिए जननी के समान, रोगियों के उद्धार हेतु औषधि के समान और सभी लोगों की रक्षा के लिए एकादशी तिथि प्रकट हुई है। एकादशी तिथि यानी परम भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय दिन। हमारे शास्त्रों में एकादशी की महिमा गाते हुए कहा गया है कि एकादशी और द्वादशी का पालन करना यानी परम भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्न करना। कृष्ण भावनामृत में उन्नति के इच्छुक भक्तों को एकादशी व्रत का नियमित रूप से पालन करना चाहिए। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति गलती से भी एकादशी का व्रत कर लेता है उसे भी यम यातना नहीं भुगतनी पड़ती। तो फिर नियम पूर्वक और श्रद्धा से एकादशी व्रत पालन का क्या लाभ मिलता होगा वो हम सोच नहीं सकते। पद्म पुराण हमें इस बात का भी आश्वासन देता है कि हमारे शरीर में तभी तक पाप निवास करते हैं जब तक हम भगवान विष्णु को प्रिय एकादशी का पालन नहीं करते। 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ भी एकादशी के उपवास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। मनुष्य अपनी 11 इंद्रियों से जो पाप करता है वे सभी कृष्ण या शुक्ल पक्ष के 11वें दिन यानी एकादशी तिथि का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करने से पूरे हो जाते हैं। ये एकादशी शरीर को निरोगी बनाती है और हमारी चेतना का शुद्धिकरण करती है। इस प्रकार ये तिथि हमें भौतिक शरीर में सुख प्रदान करती है और मृत्यु के बाद उच्च गति प्रदान करती है। तो ऐसी ही परम पावनी एकादशी तिथि बस कुछ ही दिनों में हमारे द्वार पर आने वाली है और ये तिथि है अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पाशांकुशा या पापांकुशा एकादशी। इस एकादशी पर भगवान पद्मनाभ की पूजा आराधना करने का प्रावधान है। इस एकादशी के पालन से व्यक्ति को इस भौतिक जगत में सुख समृद्धि और प्रसिद्धि मिलती है और मृत्यु के बाद परम आध्यात्मिक गति प्राप्त होती है। विशेषकर ये एकादशी मनुष्य के सभी पापों को नष्ट कर देती है, फिर चाहे वह पूर्व जन्म के हो या वर्तमान जन्म के। इस बार ये एकादशी तिथि आ रही है 25 अक्टूबर 2023 बुधवार के दिन। इस दिन उत्तर भारत की समय सारणी अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का समय है प्रातः 5 बजे और सूर्योदय होगा सुबह 6:36 पर। अगले दिन एकादशी का पारण करने का समय है सुबह 6:37 से लेकर 9:46 के बीच में। वास्तव में इस बार भी एकादशी तिथि का प्रारंभ 24 अक्टूबर मंगलवार के दिन दोपहर 3:14 पर हो रहा है। इसलिए कई बार लोगों के मन में संशय रहता है कि तो फिर क्या एकादशी का पालन हम 24 तारीख को करेंगे? तो इसका उत्तर सरल है, जी नहीं। हमारे सनातन वैदिक कैलेंडर के अनुसार किसी भी नए दिन की शुरुआत सूर्योदय से होती है, इसलिए इस एकादशी का पालन भी हम 24 को नहीं बल्कि 25 तारीख को ही करेंगे। कई बार हमें आपके ऐसे भी प्रश्न मिलते हैं कि हम पहली बार एकादशी करने जा रहे हैं तो कौन सी एकादशी से व्रत पालन करना शुरू करना चाहिए? तो देखिए, हमेशा याद रखिए, अच्छा कार्य करने में कभी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए और बुरा काम करने में जल्दी नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए एकादशी से पवित्र और कोई भी कार्य हो ही नहीं सकता। इसलिए एकादशी व्रत पालन की शुरुआत आप किसी भी एकादशी तिथि के साथ कर सकते हैं, शुभस्य शीघ्रम। तो अगर अभी तक आपने एक भी एकादशी का पालन नहीं किया है और शुरुआत करना चाहते हैं तो इससे अच्छा मौका कोई और नहीं हो सकता। तो चलिए तैयार हो जाइए इस आने वाली अत्यंत पवित्र और सभी पापों का नाश करने वाली पापांकुशा एकादशी का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करने के लिए। और हम आपसे मिलेंगे इस एकादशी के सुंदर पौराणिक कथाओं के साथ आपके अपने इसी चैनल उपदेश शास्त्र कम पर। इसलिए अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। और हाँ, अगर आप हमारे एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे पिन कमेंट में उसका लिंक दिया गया है। हमारे सभी वीडियोस के लिंक सबसे पहले हम वहीं पर देते हैं, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए परम भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने वाली इस पवित्र पापांकुशा एकादशी का निष्ठा पूर्वक पालन करने का संकल्प लेते हैं और अपनी आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। हरे कृष्णा।